हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे आईपीएल के ऊपर। मैच 48 खेला गया अबू धाबी में बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग और क्लोज फाइट देखने को मिली और इन दी एंड मुंबई इंडियंस ने ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया। पहले मैं आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करूँ कि आरसीबी से क्या क्या गलतियां हुई और आरसीबी कहाँ पर चौक हो गया। मुंबई ने टॉस जीता और मुंबई ने आरसीबी को पहले बैटिंग की दावत दी। आरसीबी ने अपने 20 ओवरों में बनाए 164 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आरसीबी की तरफ से देवदत्त ने 74 रन की इनिंग्स खेली और जॉस जॉस फिलिपी ने 33 रन बनाए और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। पोलार्ड को 1 विकेट मिली और जसमित बुमराह को 3 विकेटें मिली। और जब मुंबई इंडियंस की बैटिंग आई, मुंबई इंडियंस का एक अच्छा स्टार्ट रहा और मुंबई इंडियंस के बैट्समैन को पता था कि हम टारगेट चेस कर सकती है। और मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 79 रन की इनिंग्स खेली और ईशान किशन ने 25 रन बनाए और काफ़ी एवरेज सी बॉलिंग करवाई। चहल को 2 विकेटें मिली और सिराज को भी 2 विकेटें मिली और इन दी एंड मुंबई इंडियंस ने ये टारगेट 19.1 ओवर में चेस कर लिया और मुंबई इंडियंस ने बनाए 166 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और मुंबई इंडियंस ने कमाल गेम ऑफ क्रिकेट के बाद मुंबई इंडियंस ये मैच जीत गया। स्पेशली मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने, बुमराह ने और सूर्य कुमार यादव ने एक कॉम्पैक्ट बैटिंग और बॉलिंग की, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस ये मैच जीत गई। क्योंकि मुंबई इंडियंस टॉस जीता और आरसीबी को पहले बैटिंग की दावा दी। हम सबको पता है आरसीबी की बैटिंग कितनी एक्सप्लोसिव है, लेकिन उनने आरसीबी को रिस्ट्रिक्ट रखा 160 के रन पर और मुंबई इंडियंस एक सेंसिबल बैटिंग की और मुंबई इंडियंस ये मैच जीत गया। सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच मिला क्योंकि उसने अमेजिंग नॉक खेली, 79 रन बनाए 43 बॉलों पर। तो अब मुंबई इंडियंस जो है टॉप ऑफ द टेबल, लेकिन आरसीबी के पास अभी भी कुछ मैचेस है कि वो टॉप 4 में आ सकते हैं और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।